नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ मीरी चौबे। देश भर में मॉनसून की एंट्री हो गई है। मॉनसून की एंट्री होते ही देश के कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति हो गई है। इस वजह से मौसम विभाग ने अपनी तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें राजस्थान भी शामिल है। जी हाँ, राजस्थान में बीते कई दिनों से बारिश हो रही है, जिस वजह से जो वहां के हालात हैं वो धीरे धीरे खराब होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में विपर्जॉय चक्रवात तूफान की वजह से भी लोगों को जल जमाव की स्थिति का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद से जैसे ही चक्रवात तूफान गया उसके बाद से गर्मी आ गई, जिस वजह से लोग मॉनसून का इंतजार करने लगे। लेकिन अब जैसे ही मॉनसून की एंट्री हुई है उसके बाद से ही लगातार हो रही बारिश की वजह से राजस्थान के कई इलाकों के हालात काफी ज्यादा बिगड़ गए हैं। और मौसम विभाग ने अपनी तरफ से ये साफ कह दिया है कि आने वाले कुछ दिनों में बारिश रुकने का नाम नहीं लेने वाली है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे बारिश हो रही है, बिल्कुल उसी तरीके से ही आने वाले 11 तारीख तक राजस्थान में ऐसी ही झमाझम बारिश होने वाली है और बारिश की जो रफ्तार है वो और भी ज्यादा बढ़ सकती है। राजस्थान में इतनी ज्यादा बारिश हो रही है कि जो नदी है और जो सड़क है उसका लेवल भी एक हो चुका है, जिस वजह से लोगों को आने जाने में भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अगर बात की जाए राजस्थान के जिला कोटा की, तो कोटा में भी बारिश की वजह से जल जमाव हो गया है, जिस वजह से काफी ज्यादा जो छात्र है वहां पर, क्योंकि कोटा में छात्र काफी ज्यादा रहते हैं, काफी बच्चे जो है वहां पर पढ़ने जाते हैं, तो उनको भी अपने ट्यूशन आने जाने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस वजह से आपको बता दें कि काफी ज्यादा कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है वो भी जल जमाव की वजह से कुछ दिनों के लिए बंद भी हो सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में अभी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और लोग इससे काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और साथ ही साथ ये भी कहा गया है, इस चीज की भी अपील की गई है कि तेज बारिश की वजह से सतर्क रहे और जरूरत के वक्त ही घर से बाहर निकले, क्योंकि मौसम खराब रहने की वजह से दुर्घटना से अगर अपने आप को बचाना है तो जरूरत के वक्त ही बाहर निकले, क्योंकि तेज बारिश की वजह से जो सड़क दुर्घटना होती है वो उस वजह से भी काफी नुकसान होता है, यहां तक कि लोगों की जान भी चली जाती है। इस वजह से मौसम विभाग ने सतर्क रहने की अपील की है और साथ ही साथ अपने तरफ से अलर्ट भी जारी कर दिया है। और ये भी साफ कर दिया गया कि आने वाले 11 तारीख तक राजस्थान में बिल्कुल इसी तरीके की तेज झमाझम बारिश होते रहेगी और साथ ही साथ जो बाढ़ की स्थिति है वो भी बन सकती है। कई इलाके तो डूब चुके हैं और कई इलाकों में जहां अभी पानी नहीं जमा है, जल जमाव नहीं हुआ है, तो वहां भी जल जमाव हो सकता है, क्योंकि बारिश अभी 11 तारीख तक बिल्कुल ऐसे ही होने वाली है और शायद 11 तारीख के बाद भी बारिश ऐसे ही रहे। अभी बारिश रुकने का कोई भी अनुमान मौसम विभाग की तरफ से नहीं साझा किया गया है। ऐसी तमाम खबरों से बने रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।